हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ डी एम शर्मा, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 12th वीडियो ऑफ लीनियर रिग्रेशन, द थर्ड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड 12th, गुजरात बोर्ड। फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव सॉल्व्ड सम टिपिकल शॉर्ट सम्स। टुडे ऑल्सो वी विल सॉल्व सम मोर टिपिकल शॉर्ट सम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सम नंबर 6, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज 4x प्लस 5y माइनस 65 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट इन दिस सम we are having only this equation 4x plus 5y minus 65 is equal to 0, and we have to find the regression coefficient b। तो friends, b find करने के लिए हमारे पास अगर regression line हो तो उस regression line को हम regression model से compare करके a और b दोनों की value find कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास रिग्रेशन लाइन नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को रिग्रेशन लाइन, फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि रिग्रेशन लाइन यानी कैप ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है। तो अगर इस इक्वेशन को वाई के इक्वल टू ले लिया जाए तो हमें रिग्रेशन लाइन मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, हम इस इक्वेशन को y के इक्वल टू कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस 65 को इक्वल टू के उस तरफ सेंड करते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 65, 0 के उस तरफ जाएगा तो प्लस 65 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो अभी हमारे पास 4x भी एडिशनल है तो हम उसे भी इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे। तो जब 4x इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो हमारे पास इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे अकेला 5y रह जाएगा। 0 प्लस 65 यानी 65 माइनस 4x, प्लस 4x उस तरफ गया तो माइनस 4x हो गया। अब फ्रेंड्स, हमें आप देख सकते हैं रिग्रेशन लाइन में अकेला y होता है, तो हमें यहाँ पर अकेला y चाहिए। तो यहाँ पर y के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इस 5 को मैं इक्वल टू के उस तरफ सेंड करूँगा तो ये 5 इस पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मीन्स y इज इक्वल टू 65 माइनस 4x होल अपॉन 5। अब फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम नंबर को जॉइंटली ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर a अपॉन c प्लस b अपॉन c होता है तो हम a प्लस b अपॉन सी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेपरेट होते हैं तो हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर कंबाइन है तो हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर होल अपॉन में 5 है तो 5 को मैं इन दोनों के इक्वल टू में ले सकता हूँ। अब फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 4 अपॉन 5x। तो अब अगर इस इक्वेशन को a प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू हो जाएगी 13 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 अपॉन 5। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू, रिग्रेशन कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5 और माइनस 0.8। नाउ फ्रेंड्स, सम नंबर 7, इफ bx इज इक्वल टू 0.85
u is equal to x minus 15, v is equal to y minus 20, find the value of dvu. फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन. फ्रेंड्स, हमने लॉन्ग सम सॉल्व करते समय देखा था कि जब भी हम यू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब बी वी यू को बी वाई एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला में सी वाई अपॉन सी एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि रिग्रेशन वो प्लस और माइनस से फ्री है लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से फ्री नहीं है. मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. मीन्स अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फॉर्मूला में उसकी इफ़ेक्ट दिखानी होती है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने x को u में कन्वर्ट किया है तो हमने x में से 15 माइनस किया है. डिवीज़न के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी नंबर से डिवाइड नहीं किया गया है तो 1 से तो डिवाइड किया ही होगा. तो हमारे लिए जो सी एक्स है वो 1 होगा, हम 1 मान लेते हैं. सेम ऐसे ही y में भी कोई नंबर हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब y में भी 1 से डिवाइड किया गया है, तो हमारा सी वाई भी y है. तो फ्रेंड्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग सम सॉल्व करते समय हम लंबे फार्मूला के साथ सी वाई अपॉन सी एक्स का मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि मतलब यही हुआ कि वो जो लंबा फार्मूला हुआ करता था, जैसे कि n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, वो फार्मूला बी वी यू का ही हुआ करता था. यानी हम बी वी यू में सी वाई अपॉन सी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी वाई एक्स मिलता है. तो इस सम में हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 0.85, तो वो हम यहाँ रख देंगे 0.85. बी वी यू हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स, सो बी वी यू एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स. तो अभी हमने देखा कि इन दोनों में डिनोमिनेटर में हमें कोई नंबर नहीं दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों में 1-1 से डिवाइड तो हुआ ही होगा, यानी हमारा सी वाई भी 1 है और हमारा सी एक्स भी 1 है. तो दोनों 1 कैंसल होकर हमारा जो बी वी यू हमें मिला है वो भी 0.85 है. तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये सम ख़त्म हो जाता है. नाउ फ्रेंड्स, सेम वैसा ही एक और क्वेश्चन, सम नंबर 8. इफ़ u इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 3 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन 5 एंड बी वाई एक्स इज 0.9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू. सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर चेंज सिर्फ इतना है कि लास्ट सम में हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स नहीं दिए थे जो इस सम में हमें दिए हुए हैं. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, u में कन्वर्ट करने के लिए हमने x में से 5 माइनस किया है और 3 से डिवाइड किया है, मतलब हमारा जो सी एक्स है वो 3 रहेगा. और v में कन्वर्ट करने के लिए हमने y में से 8 माइनस किया है और 5 से डिवाइड किया है, तो हमारा सी वाई वो 5 रहेगा. नाउ वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला. बी वाई एक्स इज गिवन टू अस, दैट इज 0.9. बी वी यू वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लाइड बाय सी वाई अपॉन सी एक्स. सो द वैल्यू ऑफ सी वाई इज 5, सो आई विल राइट हियर 5, एंड द वैल्यू ऑफ सी एक्स इज 3, सो आई विल राइट ओवर हियर 3. नाउ फ्रेंड्स, 3 इज इन द डिनोमिनेटर, सो व्हेन इट विल ट्रांसफर टू द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू, इट विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन. एंड 5 इज इन द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, व्हेन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू, इट विल बी इन द डिनोमिनेटर. यानी कि फ्रेंड्स, जब 3 इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5 इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा और हमें बी वी यू की वैल्यू मिल जाएगी. सो द वैल्यू ऑफ बी वी यू इज 0.54.
सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये सम भी खत्म होता है. सम नंबर 9, इफ u इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 4.5, वी इज इक्वल टू वाई माइनस 50 होल अपॉन 10 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.25, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू. फ्रेंड्स, सेम सम है, वही कैलकुलेशन है, वही चीज़ हमें फाइंड करनी है. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी वाई आपको तुरंत दिख जाएगा. आप देख सकते हैं, v फाइंड करने के लिए हमने y में से 50 माइनस करके 10 से डिवाइड किया है. यानी y में हमने जिस नंबर से डिवाइड किया है वो हमारा सी वाई है. लेकिन x में से हमने 4.5 माइनस तो किया है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है. अब फ्रेंड्स, जब भी हम यू वी से सम सॉल्व करते हैं तब नंबर को छोटा करने के लिए हम वेरिएबल में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं. यानी डिवाइड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर छोटा करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ना कि मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पूरे ब्रैकेट के साथ में 10 का मल्टीप्लिकेशन है. तो फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? यहाँ हमने u को सेपरेटली लिख लिया है. अब फ्रेंड्स, आपको एक मैथ्स का सिंपल ऑपरेशन पता होगा. जब भी कोई नंबर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है तब वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में चला जाता है. आपने ऐसा छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, जैसे a एक इंटीजर है, उस a के अंदर अगर मैं b अपॉन c नाम के फ्रैक्शन से डिवाइड करता हूँ तो उस केस में ये जो c है वो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है. यानी कि a इंटू c डिवाइडेड बाय b ऐसा बन जाता है. तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ होगा. ये जो 10 है वो x माइनस 4.5 में 1 अपॉन 10 रहा होगा, जिससे ये 10 इस पूरे x माइनस 4.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला गया होगा, जिससे 10 अपॉन x माइनस 4.5 अपॉन में 1 बचा होगा. और डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ब्रैकेट के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में पाएँ तो उसे हम सी वाई या सी एक्स बनाने के लिए 1 के अपॉन में डाल दें. जैसे कि यहाँ पर 10 है तो हमारा जो सी एक्स होगा वो 1 अपॉन 10 होगा. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 10 वो 1 अपॉन 10 होने की वजह से ही ऊपर मल्टीप्लिकेशन में गया है. तो हमारा सी एक्स वो 1 अपॉन 10 है. तो इसे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 0.1 मिलेगा. तो मेरा जो सी एक्स है फ्रेंड्स वो 0.1 है और सी वाई है वो 10 है. नाउ फ्रेंड्स, वी विल पुट द वैल्यू. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू वो 0.25 है. सो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.25 एट द प्लेस ऑफ बी वाई एक्स. बी वी यू हमें फाइंड करना है. सी वाई की वैल्यू है 10 एंड सी एक्स की वैल्यू हमारी हो गई 0.1. नाउ फ्रेंड्स, 0.25 एज इट इज़, बी वी यू एज इट इज़. अब अगर आप 10 में 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 100 मिलेगा. अब फ्रेंड्स, 100 यहाँ पर बी वी यू के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है. जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तब वो डिवाइड में चला जाएगा. सो 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू बी वी यू. देयरफॉर बी वी यू इज इक्वल टू 0.0025. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो फ्रेंड्स, लास्ट सम ऑफ टुडे, इफ u इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 40, v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 18 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू.
सो फ्रेंड्स u इज इक्वल टू 5 x माइनस 40। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहा होगा, यानी x माइनस 40 अपॉन 1 अपॉन 5 रहा होगा, इसीलिए ये 5 x माइनस 40 के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया होगा। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, मतलब वो भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहा होगा, यानी यहाँ पर हमारी जो सी एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/5, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 0.2, और सी वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/2, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 0.5। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रख लेना है, इस टाइप के सम में अगर ब्रैकेट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो आप उस नंबर को 1 के अपॉन में लेकर सी वाई या सी एक्स बना सकते हैं। बी वाई एक्स की वैल्यू हमें 1.6 दी हुई है फ्रेंड्स, तो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। बी वाई एक्स की वैल्यू जो हमें 1.6 दी हुई है, बी वी यू दैट वी हैव टू फाइंड, सी वाई द वैल्यू ऑफ सी वाई इज 0.5 एंड द वैल्यू ऑफ सी एक्स इज 0.2। सो नाउ फ्रेंड्स 1.6 एज इट इज बी वी यू, नाउ 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 विल बी 2.5। अब फ्रेंड्स 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो वो 1.6 के डिनोमिनेटर में यानी कि डिवीज़न में चला जाएगा। सो बी वी यू विल बी 0.64। सो आवर फाइनल आंसर इज बी वी यू इज इक्वल टू 0.64। सो फ्रेंड्स वी स्टॉप हियर टुडे, फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। I have included all the most important theory points, all the most important short sums and long sums. Still, if you have any doubt in the exercise or in any other reference books, then please ask me in the comment section. I will make another video for you. I hope in today's video you have understood all the methods. Agar aapko video pasand aaya hai, to please use like karein, apne friends mein share karein aur apna valuable comments hame dein. ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। वेरी सून वी विल मीट विद द फोर्थ लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट टाइम सीरीज। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे एट होम।